दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि मर्द और औरत का एक साथ खाना खाना इस्लाम के खिलाफ है। शादियों में खड़े होकर खाना खाने को नाजायज बताया। दारुल उलूम देवबंद ने अपने एक फतवे से सबको चौंका दिया है। फतवे में किसी भी कार्यक्रम में सामूहिक रूप से मर्द और औरत के शामिल होने को इस्लाम के खिलाफ बताया गया है। फतवे में इसको लेकर तर्क दिया गया है कि आज के दौर में बड़े बड़े समारोह में मर्द और औरत के एक साथ खाना खाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर मुस्लिमों में ये फैशन आम तौर पर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, दारुल उलूम के मुफ्तियों ने एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शादी विवाह या किसी भी कार्यक्रम में खड़े होकर खाना खाना सरासर नाजायज है। मखलूत तरीके से गैर महरमों के साथ औरतों का और मर्दों का एक साथ खाना खाना या इस तरह शिरकत करना एक साथ जिसमें बेपर्दगी होती हो, वो नाजायज और हराम है और सख्त गुनाह है, इस्लामी तहजीब के भी खिलाफ है। खड़े होकर खाना ये मकरूह और नाजायज है।